हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी सुबह सुबह का समय है और कपड़े फैलाने आई हूँ, और मौसम देखिए कितना ज़्यादा ख़राब है, और हवा चल रही थी तो मैं सोची कि चलो कपड़े बाहर ही डाल देते हैं, सूखते रहेंगे। और हस्बैंड जी आए थे ऊपर मुझे ढूंढते ढूंढते, उनको कुछ काम था मुझसे। तो देखिए, मैं कपड़े फैलाने आई थी तो वो भी चले आए ऊपर, तो वही बात मैं हस्बैंड जी को बता रही हूँ। कुछ होती हैं दोस्तों जो हस्बैंड वाइफ में मतलब होता है ना। आप सबके घरों में भी ऐसा होता होगा कि आपके हस्बैंड भी आपसे राय मशवरा लेते होंगे। हम भी देते हैं कोई भी मतलब घरेलू मामला जो होता है, घरेलू चीज़, तो ऐसे ही। तो वो चले गए अभी और मैं कपड़े फैला दूँगी, उसके बाद नीचे जाऊँगी। और एक किचकिच से मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कपड़े उपड़े बिल्कुल से भी नहीं सूख रहे हैं। दो चार दिन के कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं घर में, और जब गीले कपड़े घर में रहते हैं ना तो अजीब से एक महक भी आती रहती है घर में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, कैसे हैं? तो आज दिन है बृहस्पतिवार और अभी सुबह के बज रहे हैं 10। कपड़े फैलाने आई थी, कपड़े फैला दिया है, और दो दिन से दोस्तों बारिश हो रही है। अब बहुत ज़्यादा जीव जो है परेशान हो गया है, क्योंकि पूरा घर में सीढ़न सीढ़न सी हो गई है, पूरा घर मतलब किचिर किचिर हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और ठंड तो कम हो गई है बारिश की वजह से, ऐसा लग रहा है कि ठंड बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन बारिश की वजह से देखिए कितना ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। गेहूं में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो सरसों है देख सकते हैं आप लोग, ये सरसों सारा लेट गया है। देखिए ये बारिश की वजह से हुआ है, पूरा सरसों जो है लेट गया है। देखिए हमारा ही नहीं, किसानों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। और खाना भी अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, बस चाय बनाया था और चना छौंका था, तो चना चाय बच्चों ने खा लिया है। दीपांश घर पे ही है, दीपांश का भी दो दिन से स्कूल में छुट्टी चल रहा है, और शिवांश गया है, उसका पेपर है, और शिवा भी जाने ही वाला था, लेकिन बारिश की वजह से मैंने बोला कि दो एक दिन बाद जाना उस। तो यहाँ पे मैं और शिवा खाना खा रहे हैं, और खाने में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, बस दाल चावल बनाया था और आम का अचार था। कभी कभी ऐसे ही खाना चल जाता है दोस्तों, कभी कभी मन भी नहीं होता है खाना कुछ अच्छा सा बनाने का, तो आज मेरा मन भी नहीं हो रहा था कुछ खाना अच्छा बनाने के लिए, तो मैंने दाल चावल बनाया था। और बताई थी ना सुबह चना छौंका था, तो चना सब लोग खाए हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि भूख भी नहीं है, तो सब लोगों ने बोला था कि भूख नहीं है भूख नहीं है, तो मैंने थोड़ा ही खाना दाल चावल सिंपल सा बना लिया है। और उसके बाद दोस्तों अपना बस वही डेली वाला काम, झाड़ू पोछा लगे हाथ सारा काम जब निपटा लो तो अच्छा रहता है, अक्सर ठंड में, नहीं तो ठंड में फिर सारा काम ख़त्म करके जब आप बैठ जाते हो ना तो आपका पानी छूने का बिल्कुल से मन नहीं होता है। तो मैं जैसे ही खाना खाई वैसे ही पोछा लगाने लगी किचन में, और बर्तन भी धो लूँगी ताकि मेरा पानी वाला जितना भी काम है वो ख़त्म हो जाए। और पोछा इस समय मुझे दो बार भी लगाना पड़ रहा है थोड़ा बारिश की वजह से, क्योंकि इसलिए बारिश जब होती है तो मेरे घर में किचकिच होने लगता है, और गांव में घर रहने की वजह से ये जो मिट्टी होते हैं बाहर से बच्चे जूता चप्पल पहनकर घर में चले आते हैं, तो उस वजह से मिट्टी भी घर में साथ में आ जाती है, और इस वजह से पोछा दोनों टाइम मुझे लगाना पड़ता है, और मुझे अच्छा नहीं लगता दोस्तों जब घर गंदा गंदा होता है, तो इस वजह से मैं दोनों टाइम पोछा लगाती हूँ। और वैसे तो मैं सुबह ही केवल पोछा लगाती थी, लेकिन इस समय दो तीन दिन से मैं दोनों टाइम लगा रही हूँ ताकि घर जो है साफ़ सुथरा रहे। और मेरा तो ऐसे ही चलता है, क्योंकि मैं थोड़ा भी गंदा घर बिल्कुल से देख नहीं पाती हूँ, मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगती है। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया है, और ये जो नल है ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है अब, क्योंकि ये बार बार अब सूख जा रहा है और बहुत दिक्कत हो रही है काम करने में। तो अभी मैं हस्बैंड जी से फिर से बोलूँगी, क्योंकि वो भी बोल बोल के उनसे परेशान हो गए हैं, वो सुनते नहीं हैं।
और कपड़े थे थोड़े से और जो कि मशीन में लगाए थे तो वो भी सूख चुकी है। अब मैं इन कपड़ों को फैला दूंगी। और ये देखिए, ये रात का समय है, डिनर उनर खा पी करके मैं फिर से बर्तन धो रही हूँ। और इस समय आप लोगों को बस यही झाड़ू पोछा यही देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। क्या करूँ, कुछ भी मन नहीं होता है वीडियो बनाने का, लेकिन आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, शिवा और राज जो है बैडमिंटन खेल रहे हैं, और रात का बज रहा है अभी 8:30 या 9:15 ऐसे ही हो रहा होगा। अनुज तुमने अच्छा खेलने के लिए गिन रहे हो? हाँ अनुज, हाँ। दे दो अनुज को, दे दो। दो दो, अब अनुज खेलेगा। चलो खेल के दिखाओ। अनुज तो खेल लेता है। एक, तीन, तो दोस्तों अभी सारा काम हो चुका है। देखिए, गैस साफ कर दिया है, बर्तन साफ कर दिया है, और यहाँ पे भी पोछा लगा दिया है। सब किचन उचन साफ सुथरा हो गया है। और अभी कितने बज रहे हैं वो भी मैं दिखा दूँ आप लोगों को। अभी बज चुके हैं 9, और यहाँ पे देखिए दीपांश और उनके पापा लेटे हुए हैं, हाय कर रहे हैं। दीपांश तुम भी गुड नाइट बोल दो। हाय, गुड नाइट, गुड नाइट। और यहाँ पे अभी बिस्तरा नहीं लगा हुआ है क्योंकि शिवा अभी बैडमिंटन खेल रहा है। शिवा और दीपांश यहाँ पे लेटेंगे, और अम्मा शिवा शटर गिराओ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और इस बीच में कुछ भी नहीं शूट कर पा रही हूँ, कैसे भी करके थोड़ा मोड़ा ब्लॉग बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा, और कुछ भी कमी रहती है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और अम्मा अभी है नहीं घर पे, अम्मा गई हैं दीदी के घर पे, अभी आ रही हैं। तो दीदी अकेली हैं ना, तो थोड़ा बहुत चली जाती हैं उनके पास बैठने, तो मैं तो जा ही नहीं पाती हूँ। दोस्तों आप लोग देखते होंगे इस समय मैं दीदी के घर पे बिल्कुल भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और दिन जो है अब बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी मतलब अंधेरा हो जाता है, 5:00 ही अंधेरा हो जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं बहुत छोटा दिन होने की वजह से बहुत ज़्यादा काम बूत करने में भी दिक्कत हो जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकाल पाते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, गुड नाइट।